हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पे, जहाँ पर अगेन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। आपके लिए बनाने जा रहे हैं 4 होल फ्रैंक पैन में मिनी मुंगलेट। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप धुली मूँग के साथ 1 चम्मच धुली उड़द को अच्छे से वॉश करके 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देना है। वैसे तो 1 घंटे में ही अच्छे से भीग जाती है, पर एक अच्छे रिजल्ट के लिए तो कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखना है। आप देख सकते हैं हमारी धुली उड़द भी और धुली मूंग भी अच्छे से सॉफ्ट होके फूल गई है। यहाँ पे मैंने 240 ml वाला जो हमारा कप होता है, उस कप के नाप से 1 कप मैंने यहाँ पे दाल ली है और उसमें बस 1 चम्मच ही मैंने धुली उड़द मिलाई थी। और अगेन भीगने के बाद अच्छे से इसे वॉश कर लिया है और डाल रहे हैं इसे मिक्सी जार में, और इसका एक हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, उड़द दाल बिल्कुल ऑप्शनल है, बस इससे अच्छा सा लस आता है और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं हमारे ये। मूंग दाल का जो अपना रूखापन होता है उसे ये एब्सॉर्ब करके एक बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट हमारे मूंगलेट को देता है। अभी हम इसमें आगे चावल का आटा भी डालेंगे जिससे हमारे मूंगलेट की आउटर लेयर काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। चलिए, हमने हमारी सारी ही दाल को मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम डालने जा रहे हैं 1 हरी मिर्च और छोटा सा पीस अदरक का, जिसे हमने थोड़ा रफली चॉप करके इसमें डाल देना है। और यहाँ पे आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे बस मैंने 1 हरी मिर्च ली है, इससे हमारे इस बैटर में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में ही जिस कप के नाप से हमने दाल ली है उस कप का 1/4 कप पानी हम इसमें डालेंगे और एक फाइन पेस्ट बना के हमें इसका तैयार करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्मूथ पेस्ट हमने बना लिया है। यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच पानी और डालेंगे। पेस्ट वैसे हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, स्मूथ है, लेकिन क्योंकि अभी हम इसे सेल्फ फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे तो हमारी उसमें भी मूंग दाल हल्की सी फूलेगी, तो इसलिए अभी हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं और मिक्सिंग जार में ही 2 से 3 चम्मच पानी हमने मिला के इसमें डाल दिया है। उसे भी इसे अच्छे से मिला लेंगे। साथ में ही अब हम इसके यहाँ पे डालने जा रहे हैं 1 से 1.5 चम्मच चावल का आटा, वो भी टोटली ऑप्शनल है, पर आप डालेंगे तो उससे आपके इन मूंगलेट में अच्छा क्रिस्प आएगा। अब चावल के आटे को अच्छे से मिक्स करते हुए करीब 5 मिनट तक हमें हमारी इस दाल को अच्छे से फेंटना है। आप चाहे तो विस्कर की हेल्प से या हाथ से भी इसे अच्छे से फेंट सकते हैं, जिससे कि हमारी दाल हल्की हो जाए और फ्लफी हो जाए और हमारे मूंगलेट बहुत ही अच्छे बने। तो चलिए, करीब 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसे फेंटते हुए, इसका कलर भी लाइट हो गया है और हमारी अच्छी फ्लफी हो गई है। अब इसे हम ढक के रखने जा रहे हैं पूरे आधे घंटे के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको अगेन बता दूं, इस बैटर को बनाने में हमें 1/4 कप पानी और ऊपर से 2 से 3 स्पून पानी हमने और यूज़ करा है और बिल्कुल परफेक्ट बैटर हमारा बन के तैयार हो गया है। आधा घंटा हो गया था और आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्मूथ बैटर हमारा मूंगलेट का तैयार है, पूरे अच्छे से सेट हो चुका है। और आधे घंटे में इतने ही हमारा सेट हो रहा था। यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स को बारीक चॉप कर लिया है, शिमला मिर्च, कॉर्न्स, प्याज, गाजर और यहाँ मैंने ली है पत्ता गोभी। वेजिटेबल्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे हमने हमारे बैटर को 2 बाउल में डिवाइड करा है। 2 बाउल में डिवाइड करने का रीज़न ये है कि हमने एक बैटर तो बनाया है प्रॉपर उसी तरह से जिस तरह से हमारा डेली का फेमस मूंगलेट बनता है, और एक मूंगलेट हम बना रहे हैं मॉम्स स्पेशल मूंगलेट, जो सभी मॉम्स अपने बच्चों के लिए बनाना पसंद करती हैं। दोनों ही बाउल्स में हमने डाल दिया है शिमला मिर्च 1 से 2 चम्मच। साथ में हम दोनों ही बाउल्स में डाल रहे हैं 2 चम्मच करीब ही कॉर्न्स। ये कॉर्न्स हमारे बॉइल्ड कॉर्न्स हैं, फ्रोजन कॉर्न्स थे जिन्हें हमने बॉइल कर लिया है। और साथ में ही हम दोनों ही बाउल्स में यहाँ पे डाल देंगे 2 चम्मच करीब ही बारीक कटी हुई प्याज। चलिए, हमारा डेली स्पेशल बैटर तैयार है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे डाल रहे हैं मॉम्स स्पेशल, जहाँ पे हम मॉम्स को लगता है कि बहुत सारी वेजिटेबल्स हम भर दें, जो भी बच्चा हमारे खा सकता है उतनी वेजिटेबल्स हम उसे यहाँ पे खिला सकें, तो उसके लिए यहाँ पे हमने पत्ता गोभी और गाजर को बिल्कुल बारीक ग्रेट करके डाल दिया है। यहाँ पे हम डाले हैं बॉइल्ड मटर के दाने। साथ में ही अब हम दोनों ही बाउल्स में डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स, करीब 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स हम मॉम्स स्पेशल बाउल में डाल रहे हैं। 1/2 चम्मच करीब सफ़ेद नमक दोनों ही बाउल्स में। डेली स्पेशल मूंगलेट में हम कोई मसाला नहीं डाल रहे। वैसे तो हमने मॉम्स स्पेशल बाउल में भी कोई मसाला नहीं डाला है, केवल चिली फ्लेक्स और नमक डाला है, पर हाँ, आप चाहें तो यहाँ पे गरम मसाला या हल्दी का यूज़ आप कर सकते हैं। चलिए, दोनों ही बाउल्स की वेजिटेबल्स को हम मूंग दाल बैटर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। और दोनों ही बाउल्स की वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे दोनों ही बाउल्स में
1/4 स्पून यानी 1/4 चम्मच करीब इनो यानी हमारा फ्रूट सॉल्ट हम दोनों ही बाउल्स में डाल देंगे। हल्का हल्का सा पानी डाल के उसे एक्टिवेट करेंगे और हल्के हाथों से हमें हमारे दोनों ही बाउल्स के बैटर को मिक्स कर लेना है इनो के साथ। इनो को दोनों ही बैटर में अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा हमें इसे फेंटना नहीं है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसे फैलाने जा रहे हैं हमारे पैन में। पैन आप यहाँ पे कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं यहाँ पे 4-hole फ्राइंग पैन यूज़ कर रही हूँ। तो बस चारों ही होल्स में हम यहाँ पे डाल रहे हैं बटर और 2-2 स्पून हमारे बैटर को हमें अच्छे से फैला देना है। इस रेसिपी को कोशिश करिएगा बटर में ही बनाने की, क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है मेनली वो बटर में ही आता है। इसलिए हमने 1-1 स्पून करीब बटर यहाँ पे डाल दिया है, मेल्टेड बटर यहाँ पे हमने यूज़ करा है और दोनों ही बैटर्स को हमने अच्छे से फैला दिया है। इसे 2-3 मिनट के लिए हमें ढक के रख देना है। अगर आप बड़े पैन में बनाते हैं तो करीब 5-6 मिनट के लिए इसे ढक के रखिएगा एक साइड से, पर छोटे पैन में जल्दी सिक जाता है और 2-3 मिनट बाद आप खुद देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से ऊपर से ये ड्राई हो चुका है और जस्ट हमें इसे पलट देना है। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से नीचे से हमारे सिक चुके हैं, इसलिए हमने चारों ही हमारे मोंगलेट्स को पलट दिया है। और अगेन हम यहाँ पे डालने जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा बटर। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 2 में तो मैंने बस साइड्स में बटर डाला है, एक मॉम्स स्पेशल में और एक हमारे डेली स्पेशल में मैंने साइड्स में बटर डाला है। और जो 2 हमारे बचे हैं उन्हें मैंने हल्का सा ऊपर से कट लगा लिया था, ज़्यादा नीचे तक लेयर तक कट नहीं लगाना है, जस्ट ऊपर से हमने हल्का सा कट लगाया है। और करीब 1-2 चम्मच मेल्टेड बटर हमें उन कट्स में डाल देना है। ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ और उस हरे धनिया को भी हल्के हाथ से हमें प्रेस कर देना है और अगेन इसे 2-3 मिनट के लिए हमें ढक के रखना है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारे 2 मुंगलेट हैं जिन्हें हमने ऊपर से हल्का सा कट लगा के अंदर मक्खन डाला है, हमारा बटर डाला है, वो हमारा डबल बटर मोंगलेट बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए ढक के रख दिया था और 2-3 मिनट बाद आप खुद देखेंगे कि आपका ये नीचे से भी कितना अच्छे से सिककर तैयार है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट मोंगलेट। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका नीचे से भी और हमारा मोंगलेट सर्विंग के लिए तैयार है। इसी तरह से बस मैं आपको और भी दिखा देती हूँ, आप ये भी देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये आपका सिक चुका है नीचे से। और इसे हम करने जा रहे हैं सर्व और इसे हमने सर्व करा है हरी चटनी के साथ, डेली स्पेशल खजूर की चटनी के साथ और सॉस के साथ। फ्रेंड्स, खजूर की चटनी की रेसिपी हम पहले ही आपके साथ शेयर कर चुके हैं, आप चाहें तो हमारे पेज पे जाके देख सकते हैं। आप भी आज की मोंगलेट रेसिपी जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको रेसिपी कैसी लगी हमारे साथ शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।